नमस्कार किसान भाइयों, शुरू से अंत तक बैंगन की खेती के लिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। सोच समझकर और बड़े पैमाने पर की गई बैंगन की खेती आय का बढ़िया स्रोत हो सकती है। किसान भाइयों, बैंगन एक महत्वपूर्ण सब्जी है। हमारे देश में इसकी खेती प्राचीन काल से होती आ रही है। बैंगन को विभिन्न प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यही कारण है कि एक वर्ष में बैंगन की 3 फसलें ली जा सकती हैं, जिससे किसान कम लागत में बैंगन की खेती कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की रोपाई बरसात के सीजन में जून जुलाई अगस्त में आप कर सकते हैं। गर्मियों के लिए जनवरी फरवरी के लिए आप कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें जलवायु की तो बैंगन की खेती के लिए गर्म जलवायु उपयुक्त होता है। बैंगन की फसल पाला सहन नहीं कर सकती। अच्छी उपज के लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बैंगन की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, बात करें भूमि की तो बैंगन की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा उपयुक्त होती है। भूमि का पीएच 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। बैंगन की खेती करने के लिए भूमि की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? तो किसान भाइयों, बैंगन की फसल के लिए खेत को तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। अंतिम जुताई के साथ पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, बात करें टॉप वैरायटीज के बारे में, तो किसान भाइयों, कांटेदार बैंगन आपको लगाना है तो NBH 13 एक ये भी अच्छी वैरायटी है। इसके फल छोटे गुलाबी और सफेद रंग के होते हैं, धारीदार कांटे होते हैं। इस वैरायटी के फल का वजन लगभग 60 से 70 ग्राम प्रति फल का होता है। किसान भाइयों, 2 नंबर वैरायटी है सनग्रो की प्रगति हाइब्रिड। इस वैरायटी के बैंगन छोटे साइज के गुलाबी बैंगन होते हैं। 3 नंबर की वैरायटी है VNR 212। इस वैरायटी के फल मीडियम लंबाई के होते हैं। 4 नंबर की वैरायटी है हाईवेज की अक्षता F1। इस वैरायटी के फल सफेद गोल रंग के होते हैं। 200 ग्राम लगभग इसका प्रतिफल का वजन होता है। 10 ग्राम सीड्स का मार्केट रेट देखा जाए तो 150 से 200 ग्राम सीड रेट आपको मिल सकता है। और ये वैरायटी बैक्टीरियल विल्ट के लिए रेजिस्टेंट है। 5 नंबर वैरायटी है VNR उत्कल F1 बैंगन। इस वैरायटी के फल सफेद रंग के होते हैं। 6 नंबर का वैरायटी का नंबर आता है कलश। ये कलश सीड्स कंपनी का जनक F1 हाइब्रिड बैंगन होते हैं। ब्लैक रंग के बैंगन होते हैं। इसके साथ ये स्मॉल साइज के होते हैं। किसान भाइयों, 7 नंबर की वैरायटी है VNR 60 ब्लैक रंग के। इसके फल होते हैं, लंबे साइज के होते हैं। किसान भाइयों, इन 7 वैरायटीज जो है, इनमें से आप कोई भी आपको जो अच्छी वैरायटी लगती है आप अपने खेत में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें बीज दर की तो बैंगन की खेती के लिए 400 से 500 ग्राम बीज की पौध 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, बात करें सीड ट्रीटमेंट मतलब बीज उपचार की तो बैंगन की फसल में बीज जनित रोगों से सुरक्षा हेतु थायरम या कार्बेंडाजिम या विटावैक्स की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। किसान भाइयों, पौध तैयार करने के लिए 1 हेक्टर क्षेत्र की रोपाई के लिए लगभग 90-100 वर्ग मीटर क्षेत्र में बीज बोना चाहिए। पौधशाला तैयार करने हेतु ऐसे स्थान का चयन करें जहां सिंचाई का उचित प्रबंध हो और जल निकास की उचित व्यवस्था हो। पौधशाला के लिए हल्की दोमट व रेतीली दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। पौधशाला की मिट्टी को 4 या 5 बार गुड़ाई करके भलीभांति भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके बाद 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची, 1.25 मीटर चौड़ी और आवश्यकता अनुसार लंबी क्यारियां
का निर्माण कर लेना चाहिए। दो क्यारियों में के मध्य में 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली छोड़ देनी चाहिए। बीज को हमेशा 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी पंक्तियों में बोना चाहिए। बीज को 1 या 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। बीज बोने के बाद 1 सेंटीमीटर मोटी गोबर की खाद की सतह से ढक देना चाहिए। गर्मी एवं वर्षा ऋतु में पौध 4 सप्ताह में रोपते योग्य हो जाते हैं, जबकि सर्दियों में 6 से 8 सप्ताह में पौध रोपने के योग्य हो जाते हैं। किसान भाइयों, बात करें पौध की रोपाई के बारे में, तो पौधशाला से पौध निकालने के 2-3 दिन पहले हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि पौधे आसानी से जड़ों को क्षति पहुंचाए बिना निकाले जा सके। लंबे बैंगन वाली किस्मों में पंक्तियों व पौधों की दूरी क्रमशः 60x60 सेंटीमीटर और गोल बैंगन की वाली किस्मों में दो लाइन में 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। दो प्लांट्स में 60 सेंटीमीटर दूरी रखनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो बैंगन की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टर 4 से 5 ट्रॉली गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद खेत में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त हमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 16 किलोग्राम पोटैश इस बैंगन की फसल को देना चाहिए। इसको हम फास्फोरस और पोटैश को जब जमीन तैयार करते समय हमें देना है, और इसमें से आधी मात्रा नाइट्रोजन की हमें जमीन करते तैयार करते समय देनी है। तो इसके लिए किसान भाइयों, यूरिया 1 बैग, सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग और म्यूरेट ऑफ पोटैश 25 किलोग्राम प्रति एकड़ क्षेत्र में हमें देना है। इसके साथ ही जो आधा नाइट्रोजन का डोज बचा हुआ है, वो 30 दिनों के बाद आधा और 45 दिनों के बाद आधा ऐसे देना है। मतलब 30 दिनों के बाद 25 किलोग्राम यूरिया और 45 दिनों के बाद 25 किलोग्राम यूरिया हमें बैंगन की फसल को देना है। इसके साथ ही बैंगन की फसल की अच्छी ग्रोथ हो, बहुत सारे फूल निकले, बहुत सारे फल निकले, फलों की अच्छी साइज हो, पौधों की अच्छी साइज हो, हमारे जो पौधे हैं वो कीट एवं रोगों को ज़्यादा ग्रासित ना हो, इसके लिए शुरू से हमें जब हमारे बैंगन की फसल की ग्रोथ हो रही होती है, तो रोपण के बाद 15 दिनों के बाद हमें एनपीके वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर 19-19-19 80 ग्राम प्लस माइक्रोला आरसीएफ कंपनी का 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स कर स्प्रे करना है। इसके साथ हमें M45 या 22-3 या साफ 30 ग्राम, ये तीनों में से एक फंजीसाइड 30 ग्राम 15 लीटर पानी में मिक्स कर स्प्रे करना है। इसके साथ ही प्रोफेक्स सुपर कीटनाशक 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। किसान भाइयों, जब फ्लावरिंग शुरू होती है, तो हमें एनपीके वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर 12-61-0 80 से 100 ग्राम प्लस माइक्रोला आरसीएफ कंपनी का 40 से 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स कर स्प्रे करना है। इसके साथ भी आप M45 साफ या 22-3 इनमें से कोई भी एक बुरशीनाशक मतलब फंजीसाइड को 30 ग्राम से मिक्स कर सकते हैं, प्लस इसमें प्रोफेक्स सुपर या प्रोक्लेम ये कीटनाशक आप मिक्स कर सकते हैं। प्रोक्लेम मिक्स करना है तो 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करें। किसान भाइयों, तीसरा स्प्रे लेना है 052-34। जब फूलों से फल बड़े हो रहे होते हैं, जल्दी से जल्दी फल बड़े हो, अच्छी क्वालिटी के फल आने चाहिए, बहुत सारी फ्लावरिंग भी होनी चाहिए, तो 052-34 एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 80 से 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। इसके साथ आरसीएफ कंपनी का माइक्रोला ये हमें 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स करना है। इसके साथ ही आपको M45 22-3 या साफ ये बुरशीनाशक मतलब फंजीसाइड 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स करना है। इसके साथ ही हमारे बैंगन की फलों को फल छेदक मतलब फ्रूट बोरर और शूट बोरर का अटैक ना हो, अगर हुआ भी है तो उसे
कंट्रोल करने के लिए आप इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG मतलब प्रोक्लेम 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फ्लुबेंडामाइड 20 WDG ये आप 6 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या किसान भाइयों कोराजन ये कीटनाशक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 से 6 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये कीटनाशक तीनों में से एक टाइम के लिए आप NPK ऑटो सोल्यूबल फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट और फंजीसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों ये स्प्रे शेड्यूल आप फॉलो करेंगे तो न्यूट्रिशन की कमतरता नहीं रहेगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और इसके कारण बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, फुटाव अच्छा हो जाएगा, फ्लावरिंग की संख्या बहुत अच्छी आएगी और फलों की संख्या भी बहुत आएगी, साइज भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। और इसके साथ हम प्रोफेक्स सुपर ट्राइजोफॉस इस कीटनाशक का भी शुरुआती स्टेज में आप इन जैसे सिंपल कीटनाशकों का इस्तेमाल करें तो आगे चलकर आपको ज्यादा अटैक आपके फसलों पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आप सकिंग पेस्ट के नियंत्रण के लिए भी कुछ दवाइयां, कुछ कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि थ्रिप्स, एफिड्स, माहू, सफेद मक्खी, जेसिड्स, इन जैसे कीटों के नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रीड सुपर कॉन्ट्रोडोर 7 से 8 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स कर स्प्रे कर सकते हैं, या थायोमेथोक्साम कंटेंट जो है ये एक्ट्रा कीटनाशक में है, एक्ट्रा 5 से 6 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। शुरुआती स्टेज में आप निमार्क का उपयोग करें, निमार्क से सकिंग पेस्ट और लार्वा के अंडे खत्म होते हैं, तो हर 10-15 दिन के बाद आप निमार्क का स्प्रे जरूर करें। किसान भाइयों बात करें बैंगन के फसल के लिए सिंचाई और जल निकास की, तो बैंगन की फसल की सिंचाई कई बातों पर निर्भर करती है, जिनमें भूमि की किस्म, फसल उगाने का समय और वातावरण प्रमुख है। आमतौर पर गर्मियों में बैंगन की फसल में 7 दिन के अंतर पर और सर्दियों में 15 दिन के अंतर पर उचित रहता है। किसान भाइयों सिंचाई की आवश्यकता वर्षा ऋतु में नहीं होती है, यदि लंबी अवधि तक वर्षा न हो तो वर्षा ऋतु में भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। कभी कभी वर्षा ऋतु में भी अधिक वर्षा होने के कारण खेत में आवश्यकता से ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो उस अधिक पानी को खेत से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो खेत में विल्ट का समस्या आपको देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों बात करें रोगों की, तो छोटी पत्ती रोग, ये रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, रोगी पौधा बौना रह जाता है, पत्तियां आकार में छोटी रह जाती है, पत्तियों का डंठल भी काफी छोटा रह जाता है और वे तने से जुड़ी हुई दिखाई देती है, तने का गांठ वाला भाग भी छोटा हो जाता है, रोगी पौधे पर फल नहीं बनते और पौधे झाड़ी नुमा हो जाते हैं, यदि इन पौधों पर फल भी लग जाते हैं तो वे अत्यंत कठोर हो जाते हैं। किसान भाइयों इसकी रोकथाम के लिए रोगी पौधों को उखाड़ कर जला देना चाहिए। लीफ हॉपर से फसल को बचाने हेतु रोगर 1 ml प्रति लीटर पानी में मतलब 15 मिली 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों बात करें शाखा एवं फल छेदक कीट की, तो इस कीट की सूंडी चिकनी एवं गुलाबी रंग की होती है, जो नई बढ़ती हुई शाखाओं में छेद करके अंदर के भाग को खाती है, जिसके कारण शाखाएं मुरझा जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है, फल आने पर ये कीट फलों में छेद करके अंदर के भाग को खाते हैं, जिससे ऐसे फल सब्जी के योग्य नहीं रहते हैं। किसान भाइयों बात करें इसके रोकथाम की, तो कीट ग्रासित शाखाओं और फलों को तोड़कर तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। कार्बारिल मतलब सेविन 50% घुलनशील पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर इसको स्प्रे कर देना चाहिए। किसान भाइयों बात करें बैंगन की उपज की, तो भूमि की उर्वरा शक्ति बैंगन की किस्म और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है। संकर किस्मों से 500 से 700 क्विंटल फल
प्रति हेक्टर आपको उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों, अगर बात करें मार्केट रेट की, तो 15 रुपए लगभग एवरेज आपको प्रति किलो मार्केट रेट अगर मिलेगा, तो 10 लाख रुपए आपके प्रति हेक्टर क्षेत्र में कम से कम आपको मिल जाते हैं। गर्मियों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा 25-30 रुपए तक भी बाजार भाव मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसके आगे के आने वाले नए नए कृषि विषयक वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसान भाइयों, आपकी कोई भी कृषि विषयक समस्या हो, आप किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 इस टोल फ्री नंबर पर देश के किसी भी कोने से कॉल कर सकते हैं और आपके मातृभाषा में खेती संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। किसान भाइयों, ये पूरा वीडियो आपने देखा, इसलिए आपका मन से धन्यवाद।